हाँ तो देखिएगा, अगला जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं में वो 7N14 और 2HE4, ये जब दोनों मिलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया होती है, दोनों की नाभिक जब जुड़ती हैं तो 8O7 अर्थात ऑक्सीजन का एक समस्थानिक प्राप्त होता है, साथ ही 1H1 अर्थात एक प्रोटोन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के होने के पहले यहाँ पर 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और बाद में भी इस पर 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश है। अब बात करते हैं हम नोट की कि आवेश संरक्षण का नियम आनुभविक है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया था। बहुत से नियम होते हैं, उनके अपवाद भी होते हैं, लेकिन ये जो आवेश संरक्षण का जो नियम है इसका कोई अपवाद नहीं है। अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश सतत राशि न होकर विविक्त राशि होती है और विद्युत आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। देखिएगा, इसको समझने से पहले हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, कुछ बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना कि आवेश का जो क्वांटीकरण है इसका मतलब क्या है। पहले क्वांटीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी के बाद हम दूसरी सीढ़ी पर रखते हैं, उसके बाद हम तीसरी सीढ़ी पर रखते हैं, उसके बाद हम चौथी सीढ़ी पर रखते हैं, इस प्रकार से हम अपना काम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश का हिसाब भी यही है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आवेश जो है वो कभी भी 1.5, 1.5 या 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। हालांकि कुछ कण आजकल खोज लिए गए हैं जिनके ऊपर भी इतना आवेश होता है, वो एक आगे की चीज़ें हैं, इसके संदर्भ में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो विद्युत आवेश जो है सतत राशि न होकर विविक्त राशि होती है। सतत का से मतलब समझ लो आप, जिस प्रकार से गाड़ी की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो उसका जो एनालॉग स्पीडोमीटर है वो लगातार उसकी स्पीड को इंक्रीज करता हुआ या डिक्रीज करता हुआ दिखाता है। इसका मतलब ये कि अगर गाड़ी की स्पीड फिलहाल 0 है, फिर 0 से 10 तक होने में इस मीटर जो है वो 0 से 1, 2, 3, 4 या 1, 2 के बीच में भी 1.1 से 1.2 या 1.3, 1.4 मतलब 0 से 10 या 0 से 50 जो कि उसकी स्पीड थी उसके बीच के प्रत्येक वैल्यू के ऊपर वो सुई घूमती हुई जा रही है, वो तो होता है सतत, इसको तो कहते हैं सतत। लेकिन जैसे फर्स्ट सीढ़ी के बाद सेकेंड सीढ़ी पे पैर रखना, फिर थर्ड सीढ़ी पे पैर रखना, ये होता है सेकेंड, ये होता है क्वांटीकरण, विविक्त। तो विद्युत आवेश एक सतत राशि न होकर विविक्त राशि होती है। विद्युत आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। अतः किसी वस्तु पर संभावित आवेश जो है वो होता है Q=±Ne, जहां n बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, ……। अतः आवेश का क्वांटम ई है। ये भी एक सवाल बन सकता है कि आवेश का क्वांटम क्या है, तो आपको उत्तर देना है कि आवेश का क्वांटम ई है। क्लियर। नोट, आवेश सदैव द्रव्यमान से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो निस्संदेह उसके पास द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, इसका विलोम भी सत्य हो सकता है। मतलब कि ऐसी कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान नहीं हो उसके ऊपर आवेश का होना संभव नहीं है। देखो, आवेश सदैव द्रव्यमान से जुड़ा होता है, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश जो है उसका अस्तित्व संभव बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसी किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता जिसमें द्रव्यमान नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये न समझें कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसमें आवेश भी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे न्यूट्रॉन जो है उसमें द्रव्यमान होता है पर आवेश नहीं होता, उसी प्रकार से ये जो पेन है इसके ऊपर फिला, इसमें द्रव्यमान तो है लेकिन इस वर्तमान में इस पर कोई आवेश नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पर द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है। फोटोन, जैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है पर आवेश नहीं है, फोटोन एक द्रव्यमानहीन व आवेशहीन कण होता है। फोटोन एक ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है और आवेश भी नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे आप अच्छे से याद करें कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है एक अपनी जगह पर फिक्स है तो उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समान वेग से मतलब कि रुका हुआ अगर आवेश है तो उससे केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। ठीक है,
समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन अगर आवेश जो है वो समान रूप से गति कर रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी पैदा होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर आवेश समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसके आगे मैं बात करूँ कि यदि आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति का मतलब आप समझते होंगे ऐसी गति जिसके अंदर कण की आवेश की स्पीड या तो लगातार बढ़ रही हो या फिर लगातार घट रही हो, ऐसे को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। यदि आवेश त्वरित गति करता है तो यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्सर्जित करता है। रुका स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, और अगर वो त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न होती हैं। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।